तो दोस्तों पर्ल फार्मिंग बहुत जबरदस्त खेती है, नए जमाने की खेती है, हाईटेक फार्मिंग है और बहुत कम वक्त में बहुत ही हाई प्रॉफिट देने वाली खेती है। अगर आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 15x15 फीट का जो जगह है, टैंक है, वाटर टैंक है, उसमें आप 4 लाख रुपए का प्रोडक्शन ले सकते हैं और इसके लिए आपका जो खर्चा आएगा वो बहुत ही कम आएगा, कुछ हजार रुपए। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के बूचनवाड़ी गांव के किसान शैलेंद्र मालवी। शैलेंद्र जी कैसे हैं? बढ़िया सर, आपका स्वागत है फ्रीडम प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सर। तो शैलेंद्र, हमने पिछले एपिसोड में बात की कि किस तरह से आप पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं, पर्ल फार्मिंग क्या होती है, कितना टाइप है इसका, अब बताएं कि आप कोई अगर पर्ल फार्मिंग करना चाहता है, शुरू करे, तो उसका कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना पैसा चाहिए उसको शुरू में? सर वो पर्ल फार्मिंग अगर स्टार्ट करना चाहता है तो हमने 2000 सीप का किया है स्टार्ट, तो उसके लिए हमको जो सीप खरीदा है वो आया है 65-70 हज़ार रुपये का खर्च और थोड़ा इन्वेस्टमेंट होगा अपने सेटअप तैयार करने में तो वो 30,000 से 40,000 रुपए लगेगा सेटअप का। हाँ, और जो आपका पर्ल का जो खर्चा आएगा सीड का 70,000, तो आपका 1 लाख रुपए का लमसम आपका अमाउंट। हाँ, 1 लाख। तो 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करेगा, मान लीजिए पर्ल फार्मिंग में आप इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो क्या कोई इसके लिए सब्सिडी वगैरह है कुछ, जहाँ पर जिसका फायदा मिल सकता हो? हाँ, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इस पर। कितना? 30% आपको मिली है? नहीं अभी नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट डालेंगे तब लेंगे सब्सिडी। अच्छा, तब लेंगे, अभी नहीं ले रहे आप? अभी नहीं। लेकिन इस पे 30% सब्सिडी मिलती है? 30% सब्सिडी। अगर कोई मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाता तो उसके 30,000 रुपए रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न हो जाएंगे। तो ये सब्सिडी स्कीम है, उसका फायदा उठा सकते हैं। पर्ल फार्मिंग सब्सिडी स्कीम पर जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक चीज और शैलेंद्र, इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई 1 लाख रुपए लगाकर ये खेती करता है तो उसका प्रोडक्शन, इस आपका 15 फीट का प्रोजेक्ट है, इसमें कितना हो सकता है प्रोडक्शन अधिकतम? 2000 सीप डाल सकते हैं इसमें जी, उससे ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन 2000 डाली हुई हमने जी, और इसमें जो मोती बनेंगे वो 4000 बनेंगे जी, और उनका जो है इनकम जो आएगा वो 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए, 4000 मोती और 4 लाख रुपए इनकम आएगी। हाँ, तो एक मोती कितने रुपए में बिकता आपका? 100 रुपए का। 100 रुपए का जो डिजाइनर मोती है, और अगर गोल मोती बनता है जी तो वो 300 रुपए का बिकेगा। तो गोल मोती बनने में कितना टाइम लगेगा? वो समय ज्यादा लगता है सर, 2-3 साल लगता है। 2-3 साल लगता है? हाँ, 2 से 3 साल। वो 300 रुपए में बिकेगा? हाँ जी। तो दोस्तों अगर आप इसी 15x15 फीट के जगह में अगर खारे पानी के साथ, मीठे पानी के साथ, मीठे के गोल मोती हो जाता है? हाँ, मीठा पानी। अगर आप गोल मोती उगाते हैं तो आपकी कमाई सीधी 3 गुना हो जाएगी, यानी कि 4 की 12 लाख रुपए। हाँ जी। पर आपका साल 2 लगेंगे? 2 से 3 साल। 2 से 3 साल लगेंगे। हाँ। और इसमें लगेगा 1 साल? 1 साल। यानी कि क्विक काम करना है तो आपको डिजाइनर मोती लेना, तो आपने क्विक वाला चूज किया। हाँ जी। तो ये जो आप फार्मिंग करेंगे, आपका मार्केटिंग का मोती आपने तैयार कर लिया, तो बेचेंगे कैसे? हमारा तो कंपनी से एग्रीमेंट है बायबैक का जी, लेकिन फ्रीडम ऐप पर जाकर आपको मार्केट मिल जाएगा। फ्रीडम ऐप पर मार्केट मिल जाएगा? मार्केट मिल जाएगा। तो सर्च किया आपने? हाँ जी, सर्च किया हुआ है। क्या क्या सर्च किया आपने फ्रीडम ऐप पर? सारी जानकारी ले ली सर फ्रीडम ऐप से। तो कौन कौन सी? सारी पर्ल फार्मिंग के बारे में और भी? पर्ल फार्मिंग के बारे में भी, और मशरूम फार्मिंग का भी देखा हुआ है, और सलून बिजनेस का भी देखा। तो अभी कौन कौन से काम कर रहे हैं तीनों में से? अभी तीनों कर रहे हैं सर। तीनों कर रहे हैं, ये देखिए आप, तीनों काम चालू है हमारे। तीनों चालू है? हाँ जी, सलून का भी है, पर्ल फार्मिंग भी है और मशरूम फार्मिंग भी है जी। तो मशरूम फार्मिंग से तो अर्निंग भी हुई है अच्छी। कितनी हुई? वो तो सर बहुत जल्दी, मतलब 20 दिन में तैयार हो जाता है। हाँ हाँ। मशरूम तो वो हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया था, 5000 रुपये मिल गया। तो 5 गुना इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, रिटर्न हो गया 1 महीने में? 1 महीने में। हाँ जी। 1000 के 5000 हो गए। और सैलून वाला? सैलून तो सर बढ़िया चल रहा है, वो बढ़िया चल रहा है। हाँ, वो भी आपने फ्रीडम ऐप पर देखा? हाँ जी देखा। और ये भी देखा आपने? हाँ। तो 3 बिजनेस देख लिया आपने फ्रीडम ऐप पर? हाँ जी। तो दोस्तों ये देखिए फ्रीडम ऐप पर कितने कितने बिजनेस इन्होंने देखे हैं। ये फ्रीडम ऐप पर है, ये पूरी तरह से, अगर मैं ईमानदारी से ये आपको बताऊं कि फ्रीडम ऐप एक तरह से अलादीन का चिराग है। कौन सा कोर्स चाहिए आपको, कौन सी जानकारी चाहिए, आप सोचिए, उस पर टाइप कीजिए, सब मिलेगा आपको। और आप अगर हिंदी बोलते हैं तो मिलेगा, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो भी आपको मिलेगा, अगर आप कन्नड़ा जानते हैं, तमिल जानते, भाषा जानते हैं, तेलुगु जानते हैं या मलयालम जानते हैं, सभी भाषाओं में, 6 भाषाओं में आपको कोर्स मिलेंगे। ये फ्रीडम ऐप की खास बात है। आपने कौन से भाषा के कोर्स देखे? हिंदी भाषा देखी सर। हिंदी भाषा के देखे। तो पर्ल फार्मिंग आप कर रहे हैं, अब आपका अनुभव क्या है, जैसे ये सीप आप बनाते हैं, इसमें किस तरह के चैलेंजेस भी आते होंगे, कोई दिक्कत भी तो होगी? हाँ सर, सीप जैसे उनको अगर प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है या पानी खराब हो जाता है तो वो मरने लगती है जी। तो वो चेक करना होता है, तो दिन में एक बार चेक करते हैं हम सुबह के टाइम में जी। तो आधा घंटा का समय लगता है लगभग, बस उतने में हम 2000 सीप चेक कर लेते हैं, जो मरी हुई है वो निकाल देते हैं बाहर।
तो कैसे पता चलता है कि कोई सीप वो लाइव है या डेड हो गई है? वो चेक करते हैं, वो खुला हुआ होता है पानी में, जैसे खाने के लिए मुंह ओपन करती है वो, तो अगर डेड हो गई है तो वो बंद नहीं हो पाती है, फिर बंद नहीं हो पाती, हाँ वो खुला रह जाता है फिर जी। और जो आप कोई डेड है, जिंदा है, वो आप हाथ छुएंगे तो वो बंद हो, मुंह का बंद कर लेगी अपना, बंद कर लेगी, ये पता हाँ, चलता है हाँ। तो रोज पानी से बाहर निकालने पर भी मुंह बंद कर लेगी। अच्छा, रोज चेक करना पड़ता है? हाँ, रोज चेक कर। और कितने, या एक दिन छोड़कर एक कर सकते हैं? अच्छा, कर सकते हैं। तो अभी आप रोज चेक कर रहे हैं? हाँ, रोज चेक। तो एक दो दिन जैसे नहीं होता है जगह पे कोई तो नहीं कर पाते, तो एक दो दिन में कर लेते हैं। तो अगर आपकी जैसे शीप ये है डेड होती है, इसका क्या कारण है? कोई बीमारी लगती है या क्या वजह होती है इसकी? बीमारी तो नहीं है सर, क्या है सर्जरी में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, वो कमजोर हो जाती है सर्जरी से जी। तो शुरू के 2-3 महीने में ही आती है प्रॉब्लम, बाद में तो नहीं मरती है फिर। अच्छा, जो 2-3 महीने कमजोर रहती है जी। और पानी अगर खराब होता है जी, उसमें अगर पीएच बैलेंस गड़बड़ होता है पानी का तो मरती है सीप। अगर आपका जैसे पीएच टेस्टिंग के लिए भी रखा हुआ मीटर तो उसे टेस्ट कर लेते हैं। जैसे आपका ये पर्ल फार्मिंग आप कर रहे हैं, अगर शीप शुरुआती 2-3 महीने सरवाइव कर गई, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उसके बाद कोई दिक्कत। और इसमें कोई आपको ज्यादा दवाई का कुछ ट्रीटमेंट नहीं? नहीं, दवाई का कोई नहीं। अगर पानी खराब होता है, पानी अगर तुरंत चेंज नहीं कर पा रहे हो आप, कीड़े अगर होते हैं तो उसमें डाल सकते हैं आप, वो उसके लिए आता है जी केमिकल। तो शैलेंद्र, ये जो आप पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ जी, आपका एक्सपीरियंस अभी जैसे लास्ट मई जून से आपका है, हाँ जी, तो अभी आपको 6-7 महीने हो गए हैं फ्रीडम ऐप के साथ, आपने शुरुआत की है, हाँ जी। तो दूसरे जो लोग हमारे देखने वाले, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो उन्हें यही सुझाव देना चाहूँगा सर कि आप फ्रीडम ऐप पर जाएं, और आपको जो भी बिजनेस करना है या कोई फाइनेंशियल स्कीम लेना है या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो वो सारी जानकारी मिल जाएगी फ्रीडम ऐप पर आपको। और फ्रीडम ऐप से आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको सारी मदद मिलेगी मेंटर से आपने, और आप आगे बढ़ सकते हो, भविष्य सुधार सकते हो अपना। और पर्ल फार्मिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पर्ल फार्मिंग सर, पहले तो नहीं लग रहा था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन शुरुआत की और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। अच्छा रहा, हाँ जी। मन पहले शुरू शुरू में घबराया होगा, अब वो हम तो तैयार थे, कॉन्फिडेंट थे, लेकिन लोगों के बोलने से लगता था ऐसा कि नहीं हो पाएगा, कुछ गलत ना हो जाए जी, लेकिन सही चल रहा है। सही चल रहा है, हाँ जी। तो दोस्तों, ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त इनका फार्मिंग मॉडल है, इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इन्वेस्टमेंट आपका स्ट्रक्चर का वो एक बार होगा, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ये कम से कम 10-15 साल चल जाएगा। 10 साल तो कन्फर्म चलेगा, 10 साल चलेगा, इसके बाद आप 10 साल बिना इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे से आप ये पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं। तो शैलेंद्र, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपकी जो कामयाबी है, उम्मीद करते हैं और आपको आपके लिए बेस्ट विशेज की, आपने नई शुरुआत की है, आपका प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो, तो इसी उम्मीद के साथ। और हमारे जो साथी हैं वो भी आपसे सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे। ये एक युवा किसान जिन्होंने ऐप पर, फ्रीडम ऐप पर सीखकर पर्ल फार्मिंग शुरू किया। पर्ल फार्मिंग मेरे ख्याल से आपके नज़दीक कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट में नहीं है सर, पूरे जिले के पहले किसान हैं बैतूल जिले के, हाँ जी, जो पर्ल फार्मिंग इसी के लिए हमारा इंटरव्यू भी हुआ है आकाशवाणी से, आकाशवाणी से जी, तो उसमें भी प्रसारित हो चुका है जी। तो ये देखिए कितना देर से इन्होंने बताया है, मैं पहले पूछ रहा था कि क्या क्या किया, लेकिन अभी बता रहे हैं कि आकाशवाणी ने, डीडी न्यूज़ ने इनका इंटरव्यू लिया है, और पूरे जिले के पहले पर्ल फार्मिंग करने वाले किसान हैं, युवा किसान। और इनका एक और बिजनेस है, उसके बारे में बताऊंगा, वो जो इन्होंने फ्रीडम ऐप से सीखा है, सैलून वाला। हाँ, सैलून, सैलून बिजनेस के बारे में बताएंगे इनका कि कैसा है, वो अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई, आपसे जाना बहुत, तो हमारे जो युवा साथी वो भी सीखेंगे। तो दोस्तों, आप देखिए किस तरह से फ्रीडम ऐप के साथ शुरुआत करके शैलेंद्र मावी हैं, वो बैतूल के पहले किसान बन गए हैं जो पर्ल फार्मिंग करते हैं, और इसीलिए उनको डीडी न्यूज़ ने भी खास तौर पे उनको कवरेज दिया, उनको उनके बारे में बताया, कि युवा किसान के तौर पे बताया कि दूसरे लोग भी उनके बारे में जानें और सीख सकें कि पर्ल फार्मिंग क्या होती है। तो पर्ल फार्मिंग आप भी कर सकते हैं, इसे करना बहुत आसान है, इसके बारे में आपको गाइडेंस चाहिए तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो आप प्ले स्टोर है गूगल का, उस पर जाइए, फ्रीडम ऐप वहाँ पर टाइप कीजिए या बोलिए, अपने आप आपके सामने फ्रीडम ऐप आ जाएगा, आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ्रीडम ऐप पर तमाम जानकारी अब आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, फ्रीडम यात्रा का ये पड़ाव है मध्य प्रदेश का बैतूल जिला, गांव है बुचनवाड़ी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई है, सीखी है कि कैसे पर्ल फार्मिंग होती है। तो हमारे साथ हमारे जो युवा किसान थे या फ्रीडम सक्सेस स्टोरी जिनके हम बता रहे हैं, वो शैलेंद्र मालवी थे, और शैलेंद्र मालवी का एक और बिजनेस है जो वो फ्रीडम ऐप से सीखकर उन्होंने शुरू किया है, वो है सैलून बिजनेस, वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।